होली का त्यौहार आमतौर पर दो दिनों का होता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगोत्सव मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार होली इस बार 20 और 21 मार्च को मनाया जाएगा। वहीं ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस विशेष त्यौहार पर धन लाभ के साथ सुख शांति भी पा सकते हैं। इसी विषय पर रंगों के त्यौहार को लेकर हमने बात की है इंदौर शहर के सबसे प्रसिद्ध बाजार रानी बाजार के व्यापारियों से, जिन्होंने इस बार होली के रंगों ही नहीं होली से जुड़े सभी चीजें, बच्चों को पिचकारियां तक कुछ नया किया है। इस बार मोदी और केजरीवाल की पिचकारियां का सबसे ज्यादा चलन है। बच्चों को लुभाने वाली पिचकारियां और गुलाल गुब्बारों ने बच्चों के चेहरे के रंग को किसी तरह से रंग बिरंगा कर दिया है, ये तो आप देख ही सकते हैं। वही रंगों का ये त्योहार राधे कृष्ण के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। हम सभी जानते हैं होली रंगों का त्योहार है। यहाँ हर रंग का अपना एक अलग महत्व होता है। यह त्योहार प्रतीक है राधा कृष्ण के प्रेम का, यह त्योहार प्रतीक है हम सभी के भाईचारे का, यह त्योहार प्रतीक है हम सभी के अपनेपन का। आज हम मौजूद हैं इंदौर शहर के रानीपुरा मार्केट में, जहां पर होली की तैयारी बड़ी धूमधाम से चल रही है। आइए बात करते हैं यहां के व्यापारियों से और जानते हैं कि इस बार वे क्या नया करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं यहां पर आए कुछ खरीदारों से कि उन्हें यहां आकर कैसा लगा और इस बार वे क्या नया करने वाले हैं। थैंक यू मैडम। यहाँ पर हम लोग अभी खरीदारी करने आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर अभी भी हर्बल कलर्स कम दिख रहे हैं, जो कि आज जरूरी है बच्चों के लिए, हमारे लिए। अभी भी ऐसा लग रहा है कि चाइना का माल ज्यादा है मार्केट के अंदर और हर्बल कलर्स कम है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा सभी विक्रेताओं से कि वो हर्बल कलर्स ज्यादा बेचे, ताकि हमें और हमारे बच्चों को इसमें फायदा मिले। इस बार काफी तरीके की नई तरीके की पिचकारियां आई है मोदी जी की, और जैसे पॉलिटिक्स में भी जैसे आप अभी चल रहा है राहुल गांधी मोदी जी, कई तरीके की नई नई वैरायटियां आई है। और उसके अलावा बाहुबली बच्चों में जो फेमस है, डोरेमोन कार्टून्स वगैरह, नए नए कैरेक्टर्स पे बहुत सारे नए नए लॉन्च हुए, मिकी माउस वगैरह। और भी जैसे हर्बल गुलाल आया नॉन टॉक्सिक, जैसे छोटे बच्चों के हिसाब से पहले केमिकल वगैरह से लोग होली खेलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आजकल ड्राई गुलाल आया है, मतलब ड्राई होली के जैसे ड्राई होली पानी की कमी की वजह से ड्राई होली के सबसे नॉन टॉक्सिक नॉन केमिकल वाले गुलाल भी रिलीज हुए हैं। और काफ़ी नए नए आइटम्स, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो बच्चों के हिसाब से नई नई आई है। और हमारा एक धार्मिक त्यौहार तो है ही है, ये प्रेम का त्यौहार है। और जो आजकल फोन से व्हाट्सएप से फेसबुक से हैप्पी होली बोलते हैं, वो अपनी परंपरा को कहीं ना कहीं लुप्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अपन अपने हिंदुत्व से बहुत दूर जा रहे हैं। होली का त्यौहार एक बहुत ही अच्छा पर्व है। लोगों को ये करना चाहिए, जो अपने रिलेटिव हैं, अपने दोस्त यार हैं, उनके घर पर जाकर उनको टीका लगाना चाहिए, अपने बड़ों को पैर छूना चाहिए और फेस टू फेस बधाई देना चाहिए। ये नई टेक्नोलॉजी जो आई है फेसबुक, बहुत अच्छी चीज़ है कि मैसेज तक ठीक है। आज कोई अपन आपत्ति में है और वहाँ तक नहीं जा सकते तो मैसेज फटाफट पहुँच जाता है। लेकिन त्यौहार एक ऐसी चीज है कि कोई सा भी त्यौहार है, होली नहीं कोई सा भी त्यौहार, दीपावली रक्षाबंधन कोई सा भी है, उसको अपन को फेस टू फेस मिलके मनाना चाहिए। और मेरा तो मानना यही है कि त्यौहार को फेस टू फेस मनाना चाहिए, फेसबुक व्हाट्सएप से नहीं, अपन फेस टू फेस मिलके मनाना चाहिए। हर त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, अपने हिंदुत्व को बनाए रखना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष रामरतन सिंह रजक। शांति व्यवस्था बनाए रखे, मोदी सरकार को वापस लाएं। तो हमने जाना कि हमें होली अपने परिवार के साथ मनानी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ मनानी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर डिपेंड होना चाहिए। कैमरामैन अजय के साथ मैं हूं काजल वर्मा, KNN न्यूज। कैमरा पर्सन अजय लोधी के साथ काजल वर्मा की रिपोर्ट।